प्रभु यीशु मसीह दे नां दे विच तुहानू सब नूं ही जय मसीह दी। आओ अज आपां परमेश्वर दे वचनां चों देखांगे मत्ती भाग 19 त्याग पत्री। धनी जवान ते स्वर्ग दा राज। इउं होया कि जां यीशु इह गल्लां कर हटिया तां गलील तों चलिया गया और यरदन दे पार यहूदियां दीआं हद्दां विच आया अते बहुत सारे लोग उस दे पिछे हो तुरे और उसने उत्थे उहनां नूं चंगा कीता। फरीसी उहदे परतौण लई उसदे कोल आण के बोले कि मनुख नूं इह योग है जो किसी गल्ले अपने तीवी नूं त्याग देवे। उसने उत्तर दिता कि तुसां इह नहीं पढ़िया भाई जिसने उसनूं बनाया उसने मुढ़ो उसनूं नर अते नारी बनाया अते कहा जो इस लई मर्द अपने मापे छड के अपने तीवी नाल मिलिया रहेगा अते उह दोवें इक शरीर होणगे। सो हुण उह दो नहीं बल्कि इको शरीर हन। सो जो कुछ परमेश्वर ने जोड़ दिता है उहनू मनुख अड ना करे। उसने उसनू आख्या फिर मूसा ने क्यों त्याग पत्री देण उहनू त्यागण दी आग्या दित्ती। उसने उहनू कहा मूसा ने तुहाडी सखत दिली करके तुहानू अपनियां तीवियां त्यागण दी प्रवानगी दित्ती पर मुढ़ो अजिहा ना सी। पर मैं तुहानू आखदा हाँ भाई जो कोई अपनी तीवी नूं बिना हरामकारी दे किसी होर कारण तो त्याग देवे अते दूई नाल व्याह करे सो जना करदा है। चेलिया ने उहनू कहा जे तीवी नाल मनुख दा इह हाल है तां व्याह करना ही अच्छा नहीं। पर उसने उहनां नूं आख्या इस गल नूं सब लोग कबूल नहीं करदे पर उह जिन्हां नूं बख्शिया गया क्योंकि अजिहे खुसरे हन जिहड़े मां दी कुखों इसे तरह जम्मे हन। अजिहे खुसरे हन जिहड़े मनुखां दे खुसरे कीते होए हन अते अजिहे खुसरे हन कि जिन्हां ने स्वर्ग दे राज दे कारण अपने आप नूं खुसरे कीता है। जिहड़ा कबूल कर सकदा है उह कबूल करे। तद छोटी बालकां नूं उहदे कोल लियाए तां जो उह उहनां उत्ते हथ रख के प्रार्थना करे पर चेलियां ने उहनां नूं झिड़किया। तद यीशु ने आख्या बालकां नूं कुछ ना आखो और उहनां नूं मेरे कोल आउण तों ना वरजो क्यों जो स्वर्ग दा राज इहो जिहां दा है अते उह उहनां उत्ते हथ रख के उत्थों चलिया गया। तां वेखो इक जाने ने उहदे कोल आण के कहा गुरु जी मैं किहड़ा भला काम करां जो मैनू सदीपक जीवन मिले। उसने उहनू आख्या तूं भलियाई दे विखे मैनू क्यों पुछदा है भला तां इक्को ही है पर जे तू जीवन विच वड़ना चाहुंदा है तां हुक्मां नूं मन। उसने उहनू आख्या किहड़े हुक्म। तद यीशु ने कहा इह जो खून ना कर जना ना कर चोरी ना कर झूठी गवाही ना दे अपने माँ प्यो दा आदर कर ते अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्यार कर। उस जवान ने उहनू आख्या मैं तां इन्हां सभना नूं मन्निया है हुण मेरे विच की घाटा है। यीशु ने उहनू कहा जे तू पूरा बनना चाहुंदा है तां जा के अपना माल वेच ते कंगालां नूं दे तां तैनूं स्वर्ग विच खजाना मिलेगा अते मेरे मगर हो तुर। पर उह जवान ने जां इह गल सुनी तां उदास हो के चलिया गया क्यों जो उह वड्डा मालदार सी। तद यीशु ने अपने चेलियां नूं कहा मैं तुहानूं सत आखदा हाँ जो धनी दा स्वर्ग दे राज विच वड़ना औखा है पर मैं तुहानूं आखदा हाँ जो सूई दे नक्के विच दी ऊंट दा लंघना इस नालों सौखाला है। जो धनी मनुख परमेश्वर दे राज विच वड़े। अते चेले इह सुन के वड्डे हैरान होए अते बोले फिर इह दी मुक्ती हो सकदी है। तद यीशु ने उहनां वल वेख के उहनां नूं कहा इह मनुख तों अनहोणा है पर परमेश्वर तों सब कुछ हो सकदा है। तद पतरस ने उहनूं उत्तर दिता वेख असीं सबों कुछ छड्ड के तेरे मगर हो तुरे हाँ फिर सानूं की लभू। यीशु ने उहनां नूं कहा मैं तुहानूं सत आखदा हाँ भाई जद मनुख दा पुत्तर नवीं सृष्ट विच अपने तेज ते सिंघासन उत्ते बैठेगा तद तुसी वी जो मेरे मगर हो तुरे हो 12 सिंघासन उत्ते बैठोगे अते इसराइल दियां 12 गोतां दा न्यों करोगे अते हर कोई जिहे ने घर या भाइयां या भैण या प्यो या मां या बाल बच्चियां या जमीन नूं मेरे
ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।